क्यूरेस्टा ग्लोबल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के द्वारा एक नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्यूरेस्टा ग्लोबल ACMS हॉस्पिटल इरवा में खोला गया, जिसका उद्घाटन किया गया। इस अस्पताल में आधुनिक उपकरणों के साथ बेहतरीन डॉक्टर 24 घंटे मरीजों को अपनी सेवा देंगे। अस्पताल का उद्घाटन मुख्य अतिथि बन्ना गुप्ता और गार्ड ऑफ ऑनर के रूप में मौजूद JMM के सुप्रियो भट्टाचार्य ने किया। मौके पर क्यूरेस्टा ग्लोबल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के चेयरमैन अविनाश कुमार, वाइस चेयरमैन घनश्याम सिंह भी मौजूद थे। बताया गया कि यह पहला ऐसा अस्पताल है जो जरूरतमंद मरीजों को EMI की सुविधा भी देगा। वहीं आपको बता दें कि मरीजों की सुविधा के लिए इस अस्पताल में 150 बेड की व्यवस्था होगी। एक तरफ मानवता और दूसरी तरफ कौमी एकता, ये तीन चीजों का समागम हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है कि मरहूम त्याग साहब की जो सोच थी, उनकी सोच को उनके पुत्र, उनके परिवार के लोग आज भी उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये छोटा सा एक गांव था जो धीरे धीरे काफ़ी चर्चा और चर्चित हुआ है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये शिक्षा और स्वास्थ्य आदि विषय पर ये एक हब के रूप में जाना जाए, और यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार भी काफ़ी जो है, ये जो जब से अस्पताल खुले हैं 2200-2400 लोगों को रोजगार मिला है, और लोग जो है गरीबी गुरबा से ऊपर उठ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि ये मानवीयता है। ये देखिए, इसमें कोई ये नहीं पूछता है कि ये रज्जाक साहब का अस्पताल है। जब जान बचाना होता है तो कोई हिंदू मुसलमान बन के या नहीं आता, सब पेशेंट बन के आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और यहीं से कौमी एकता जो है वो और तेज़ गति में फैलेगी, जहाँ से राष्ट्रीयता, कौमी एकता, प्रेम, मादरे वतन, माँ भारती और आपस का प्रेम बढ़ेगा। जब ये हम अच्छा तालीम मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी सुरक्षा मिलेगी, अच्छा काम मिलेगा, और मानवीय दृष्टिकोण से सरकार चल रही है, और आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड की सरकार सभी दिशा पे काम कर रही है। केवल जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लोग लाभान्वित हो। हम वैसी व्यवस्था कायम कर रहे हैं जिस व्यवस्था से लोगों का प्रेम और आपस का समन्वय बना रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ विंग।